हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके जो पेपर्स हैं जो कि जून की फर्स्ट वीक में होने की संभावना आपको बताई जा रही है, तो जून की फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, लेकिन जब भी पेपर हो लेकिन आपको अपनी तैयारी बरकरार रखना है। और इसी हिसाब से आपने, जैसे कि आपने अभी प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो टोटली बेस्ड है आपके जो क्वेश्चन बैंक पर, तो आपको क्वेश्चन बैंक अच्छी तरीके से कर लेना है। तो आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री इंग्लिश के हम सभी के आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन। अगर आपने इससे पहले चैप्टर की मैथमेटिक्स की नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको हमने इंग्लिश की ओनली एक वीडियो में ही आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया था, इंग्लिश और केमिस्ट्री का, ठीक है। इंग्लिश और केमिस्ट्री ओनली एक ही वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया गया था, ठीक है। और आपका फिजिक्स का बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करें। तो आपके अगर क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप अच्छी मार्किंग कर सकते हैं जब पेपर होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अवकल समीकरण चैप्टर 9 है, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव, मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो अलग ही मैंने बनाई रखी हुई है। तो मैंने एक से जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी की मैंने ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करा दिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 से आपके क्वेश्चन नंबर 22 तक, ठीक है, टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 22 तक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आप देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, आपके कौन कौन से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर इनके आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक मैंने अलग से ही वीडियो बना रखी है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हैं, इनके सभी के आंसर्स आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो अभी इसी वीडियो में देखेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा कौन कौन सी क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर। दोस्तों तो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, y बराबर e की पावर माइनस की 3x, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई अपॉन डी एक्स माइनस की 6y बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पर लिख दिया है, फिर इसको हमने सॉल्व किया, तो और फिर समीकरण हमने यहाँ पर, अगर आप क्लास 6, 9, 10 और 12 के छात्र हैं तो इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बैट कॉम्पिटिशन लेकर आ चुका है। ये कॉम्बैट कंपटीशन 18 अप्रैल तक चलेगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इनरोल कर लेना। तो दोस्तों कॉम्बैट कंपटीशन में देख सकते हैं, यहां पर दोस्तों आपको 30 सुपर क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपका 60 मिनट का समय रहेगा। और यहां पर दोस्तों वीकली कॉम्बैट टेस्ट होते रहेंगे। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, यहां पर आपको लाइव रेटिंग देखने को मिलेगी, अवार्ड देखने को मिलेंगे और स्कोर लीडर बोर्ड्स भी आप यहां से चेक कर पाएंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर भूल जाते हैं तो इनका डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको बेस्ट एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों यहां पर इसकी खास बात क्या रहेगी, दोस्तों यहां पर आपको कॉम्बैट विद द बेस्ट एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीतने का मौका मिल सकता है। अगर आप रैंक 1 से 3 तक आते हैं तो कम्प्लीटली अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स आपको दिया जाएगा 1 साल के लिए। अगर 4 से 10 पे आते हैं तो 50% आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, और 11 से 50 के बीच आते हैं तो 50% अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो फ्रेंड आप तब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड करके प्रश्न जरूर पूछें। पर पूरा लिखा भी हुआ है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर का ये आंसर, यही आपको यहां पर आप देख सकते हैं, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमने यहां पर सिद्ध करके बता दिया है। पर क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, फलन आपको दिया हुआ है और आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। इसमें आपके अभी वैल्यू बोल रहा है, तो वैल्यू आपको निकालने के लिए, तो ये आपका जो आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें भी आपको यही बताना था, तो यही आपको सत्यापित करना था। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर हमने बताए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और क्वेश्चन नंबर जो कि आपका ये कौन 7 है, तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करना था। आप क्वेश्चन बैंक के उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा दुर्द गलती से सही कूटने क्लिक हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये y बराबर x sin x है, ठीक है, x sin x है, तो आपको ये सिद्ध करना है x बाई डैश प्लस बाय प्लस x अंडर रूट बन माइनस बाय स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने क्या इसका अवकलन कर दिया, यानी समीकरण एक x, तो ये बाय डैश हो गया x cos x प्लस sin x, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने cos x की वैल्यू रख दी, cos x क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, तो ये फुल हमने फिर यहाँ पर, तो ये आपको सत्यापित करना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके x बाय बराबर log बाय प्लस c दिया हुआ है, तो आप थोड़ा देखिए, पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए तो आपको पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है,
ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर एक दिया हुआ है और ये आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये आपका वन अपॉन बी डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है, तो ये जीरो में चला जाएगा, तो आपका जो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो बचेगा। ओके, कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका नेक्स्ट है सेकंड, जो कि 11 नंबर के, उसमें तीन चार क्वेश्चन हैं, तो आप यहाँ से इन सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं सभी क्वेश्चन के, यहाँ पर मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद पर दूसरा है, ठीक है, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, तीसरा ये क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप इस वीडियो में पाएंगे। तो आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन बताया जा रहा है, और इससे और इससे पहले वाले चैप्टर्स की आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप इन सभी क्वेश्चन बैंक की सभी चैप्टर्स की वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सभी क्वेश्चन बैंक का आपको आंसर बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आपको विशिष्टल निकालना था। ओके, चलिए क्वेश्चन 18 देख पा रहे होंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये दिख रहा है स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको सभी बताने की कोशिश करी है। आई होप की वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी बहुत भी आपको मदद मिली हो उस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।